अच्छा, आप समझती हैं कि ड्रामा हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अब जब जाति के 4-5 बल्कि 10-12 केसेस सामने आए, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि ये जी ड्रामे की वजह से हो रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही थी। मेरा ये मानना है कि आप कभी भी किसी से जबरदस्ती फोर्सफुली कोई भी चीज़ नहीं करवा सकते। तो अगर आपके दिमाग के अंदर ही काफ़ी चीज़ें हैं, तो चाहे आपके सामने अच्छी चीज़ भी आएगी ना, आप उसके सामने से नेगेटिविटी कैच करेंगे। आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है। अब अगर आप सिर्फ एक बहाना बनाना चाहते हैं कंटेंट को, ड्रामे के कंटेंट को बहाना बनाना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन विच इज़ रॉन्ग इज़ रॉन्ग। जो सोसाइटी पे आजकल हो रहा है ये गलत है। भले इसके पीछे लोग, मुझे एक तो कभी समझ नहीं आता कि मीडिया में लोग इतनी ज़्यादा ट्विस्ट कर देते हैं हर एक चीज़ बात को। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ गलत है। आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि लड़की की वजह से हुआ या मीडिया में दिखाने की वजह से हुआ या किसी भी वजह से हुआ। देखिए, ड्रामे आजकल आपके पास सोशल मीडिया डिजिटल इतना कि सिर्फ ड्रामे हमारे नहीं है। अगर एक इंसान के पास टेलीफोन है, मोबाइल फोन है सॉरी, तो उसके पास वो पूरी दुनिया। वो यहाँ से बैठ के अर्जेंटीना भी क्यों को भी सर्च कर सकता है, वो यहाँ से बैठ बैठ के लंदन को भी सर्च कर सकता है, वो हर एक बंदा हर कुछ कर सकता है। तो ये बहुत ही फजूल बहस थी जो पाकिस्तानी ड्रामों में इन्होंने कहा कि इस तरह का कंटेंट है, लड़कियां इस तरह है, वट एवर द पॉइंट वॉज, दैट वॉज वेरी स्टूपिड। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि एक इंसान के दिमाग की वायरिंग ही इतनी गलत हुई हुई है, तो यू कांट डू एनीथिंग। आप किसी और को ब्लेम करके उसको किसी भी तरह डिफेंड नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में अगर हमें इस चीज को चेंज करना है, तो मुझे ये लगता है कि आपको अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने रिश्तेदारों में स्टार्ट करना पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिव होके या डर के कि यार हमें इस बात ये बात कहने से डर लगता है, उससे बेहतर है कि आप इसको बात करें, इसके बारे में बच्चों को एजुकेट करें। बैड टच गुड टच बच्चों को बताया जाए बचपन से ही, ताकि आगे जाके जो इनके साथ या कोई ऐसे बच्चे जो विक्टिम बनते हैं, वो कल को विक्टिम ना बने, वो बात कर सके। जब एक माँ ही अपने बच्चे से शर्माएगी बातें करने में और वो कम्युनिकेशन नहीं होगी स्ट्रॉन्ग आपके फैमिली के अंदर ही, कि अब्बू आते हैं तो बच्चियां वैसे तो बगैर दुपट्टे के घूम रही हैं, लेकिन अब्बू के आते ही बच्ची ने दुपट्टे पहन लिए। तो ऐसा क्यों है हमारी सोसाइटी में इतना इतनी इक्वालिटी क्यों नहीं है कि जैसा प्यार आप अपनी माँ से कर सकते हैं, वैसा ही प्यार अपने बाप से भी कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि लड़कियों को बड़ा दबा के रखा जाता है सोसाइटी में। तो आप अपने थोड़ा अपने बच्चों को फ्री ऑफ माइंड करें, उनसे बात करें, कम्युनिकेशन गैप नहीं आनी चाहिए। जब कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, तो आप अपने बच्चे से हर तरीके से बात कर सकते हैं, उनको हर तरीके से एजुकेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी अपनी फैमिली में, अपने लोगों में ये बातें करनी बहुत जरूरी है। और बड़ी स्क्रीन पे भी आ पाई तो कहाँ गुम होगी इतनी जल्दी। मूवी मूवी एक्चुअली ऑब्वियसली मेरी तो फर्स्ट मूवी थी। मुझे कोई अफसोस, कोई रिग्रेट नहीं है उस मूवी को करने में। काफी लोगों को था, हमारे नहीं, सब्जेक्ट बहुत अच्छा था उसका। सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, उस मूवी की एग्जीक्यूशन अच्छी थी, उस मूवी के साथ मैसेज जो दिया वो काफी अच्छा था। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली अभी पाकिस्तानी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन हमारा मुल्क वैसे इतना थोड़ा सा है और मीडिया उसमें से भी इतना थोड़ा सा है, तो लोगों को थोड़ा सा मिल के काम करना चाहिए अगर आपको आगे बढ़ानी है अपनी इंडस्ट्री। बाकायदा प्लान करके इस शोबे में आई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा इंटरमीडिएट खत्म हुआ, उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी। यूनिवर्सिटी से और वहाँ यूनिवर्सिटी के शुरू होने में और मेरे कॉलेज खत्म होने के बाद 6 महीने का गैप था। उस 6 महीने में आई वेंट टू नेपा, मैं नेपा गई हूँ। नेपा में मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे पहले, मैं नेपा गई तो मैंने कहा कि मैं बस 4-5 दिन यहाँ से पढ़ूंगी और फिर मैं चली जाऊंगी, मतलब एक एक्सपीरियंस के लिए। पर मैंने काम करना, वहाँ पढ़ना शुरू किया, वहाँ क्लासेस लेना शुरू की, वहाँ के टीचर्स, वहाँ का इन्वायरमेंट, वो इतना आर्टिस्टिक है, वो एक पूरी अकेडमी फिर आपका दिल लग आर्टिस्ट। गया वहां। मेरा वहाँ दिल लग गया। फिर मैंने, अच्छा फिर भी, तब भी आप यकीन करें शुहाग साहब, तभी मैंने ये नहीं सोचा कि आई विल बिकम एन एक्ट्रेस और मैं कोई अदाकारा बनने वाली हूँ और मैं टीवी पे आऊंगी। 1.5 साल पढ़ने तक मैंने ये दिमाग में, मेरी नियत ही नहीं थी कि मुझे टीवी पे आना है। मुझे सिर्फ, मैं अपने ना, इतना मुझे मजा आता था एक्टिंग करने में कि मैं एक्टिंग में लगी रहती थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था।
फिर इत्तेफाक से ऑब्वियसली नेपा में आपके काफी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आते हैं जो आपका थिएटर्स देखते हैं, तो वहां से मुझे फिर ऑफर आना शुरू हुई। अजरा मोहिउद्दीन जो जया मोहिउद्दीन की वाइफ है, शी रिकग्नाइज मी फर्स्ट टाइम। उन्होंने मुझे ना एक आर्ट पहचाना उन्होंने मेरे अंदर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बड़ी प्यारी सी हो और तुम बोलती भी अच्छा हो, तो डू यू वांट टू वर्क इन अ ड्रामा। मैंने कहा व्हाई नॉट, मैंने कहा लेट्स डू इट। मैं वैसे ही थिएटर में एक्टिंग करी थी, ड्रामे का भी एक्सपीरियंस, तो वो स्लोली 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 ये 3 साल कब गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको जो आने रहा वो कौन सा था? सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरा था गौरे नायाब, उसमें सजल थी, एहसन खान थे लीड एक्टर्स, और डायरेक्टर थी सकीना सुमो। उसी ड्रामे में अजरा आपा भी थी, और वो मेरा पहला प्रोजेक्ट है। इट वॉज अमेजिंग माशाल्लाह, वो इतना हिट किया, वो जी चैनल पे जो हमारे ड्रामे चले हैं, तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गौरे नायाब वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी ड्रामा विच ऑन एयर्ड ऑन इंडियन चैनल। जो कि आप सब कुछ पढ़ के आई, लाइट भी पढ़ी, आपने डायरेक्शन भी पढ़ी और एक्टिंग भी पढ़ी, तो कहीं कहीं आपको लगता होगा कि ये डायरेक्टर कीड़े निकालती किसी काम में या किसी गाइड करती है या डायरेक्टर को ही कैप्टन समझती है? हाँ बिल्कुल, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन मुझे लगता है कि अगर डायरेक्टर से कोई गलती हो रही है उनको नहीं पता तो मैं तो जरूर बोल देती हूँ। अभी कौन से डायरेक्टर हैं जिनके साथ आपकी ख्वाहिश है कि आपको काम करना चाहिए था, जिनके साथ अभी आपने काम नहीं किया? सरमद कौसर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक्टर कौन से हैं, यंग या सीनियर? सीनियर एक्टर्स में ऑब्वियसली आई लव फवाद खान। अच्छा, काम के दौरान बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, और यकीनी तौर पे हमारे बहुत सारे गुड लुकिंग आर्टिस्ट हैं और कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो हर लड़की पे लाइन मारते हैं, तो आपके साथ कोई अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है? मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो इस चीज का इंतजार कर रही हूं कि कोई कहे जी। तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, ऐसा किसी ने कभी कुछ, अंधे हो गए हैं सारे, पता नहीं कोई ना कोई इशू है आई थिंक। मुझे तो अभी तक इंडस्ट्री में माशाल्लाह 3 साल हो गए, लेकिन कभी किसी ने इजहार मोहब्बत नहीं किया, मेरे ख्याल से उन्होंने दिल में रखा होगा ना। इंतजार कर रही हैं कोई कहे? बिल्कुल। तो आपके मन में है कोई ख्वाबों का शहजादा टाइप बंदा या कोई सपनों में आने वाला कि नहीं वो अगर मुझे कहे तो? नहीं स्पेसिफिकली मैंने किसी को टारगेट नहीं किया हुआ, लेकिन ये कि हाँ अगर कोई बहुत ही सेंसिबल सा लड़का और अच्छा कोई ऐसा लड़का जो बहुत सेंसिबल होगा तो अगर बात करें, यानी मुझे गाना भी है कि काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। आपके मन में है कि कोई चाहने वाला हो? हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं, होना चाहिए, हर लड़की की ख्वाहिश होती है। काफी चाहने, नहीं वो वाले नहीं, दिल से चाहने वाले जी, जो सिर्फ एक होता है, जो सिर्फ एक होता है, बिल्कुल उसका इंतजार है, बिल्कुल उसका इंतजार है। और इवन मेरी अम्मी भी यही कहती है कि इंडस्ट्री में ही सही कोई ढूंढ के ले आओ तुम, हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में कोई समझ ही नहीं आता। शामीन, मुझे आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, खासतौर पे एंड पे जब आपने जो बात की उससे थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ कि अभी तक ना तो आपको कोई आइडियल मिला है और ना ही कोई आपकी तरफ देख रहा है। थैंक यू सो मच अशफाक साहब, आपसे बात करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, आज की बात नहीं है कि आप आ जाए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं वो नए टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, ऑब्वियसली आपने बात की, आपने एफर्ट की, तो आई एम सो हैप्पी कि हमारी इंडस्ट्री में अशफाक साहब जैसे लोग हैं जो नए टैलेंट को भी आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए हैं। वेरी थैंकफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।